हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदैया और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड का ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम फैक्टर्स देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि SN1 क्या होती है, SN2 क्या होती है, हम कैसे SN1 और SN2 मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। हमने ये देखा था कि SN1 रिएक्शन जो रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन वो 2 स्टेप होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है एंड सेकेंड स्टेप में जो होता है वो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। वहीं अगर हम बात करें इन SN2 रिएक्शन, SN2 में हमने क्या देखा था कि वहाँ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कार्बन Cl का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता, और जब तक कार्बन Cl का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक OH- अटैक नहीं कर सकता, और जब तक OH- अटैक ही नहीं करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो OH- फ्रंट साइड से अटैक ना करके वो बैक साइड से अटैक करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखता है, क्योंकि बैक साइड में उसको क्या मिलता है, बैक साइड में उसको मिलता है एक सिग्मा वैकेंट, या बोल सकते हो सिग्मा स्टार वैकेंट ऑर्बिटल। स्टार का मतलब क्या होता है, इट इज़ एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो उसको एक वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल मिलता है जिसमें वो अटैक करता है, जिससे फिर एक ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होती है एंड फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि SN1 को और SN2 को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सब हमारे पास में 4 फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एक हमारे पास में नेचर ऑफ सबस्ट्रेट होता है, सेकंड होता है हमारे पास में नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, थर्ड होता है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड फोर्थ होता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इन 4 फैक्टर्स को हम लोग जनरली SN1 और SN2 में कंसिडर कर सकते हैं और इनके इफेक्ट को चेक कर सकते हैं कि ये इस तरीके से अफेक्ट करते हैं SN1 और SN2 को। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सबस्ट्रेट का इंपॉर्टेंट रोल क्या है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि इन SN1 रिएक्शन वहाँ तो एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और SN1 में हम जो ग्रुप कंसिडर करते हैं वो बल्कियर होते हैं, बट SN2 में ग्रुप्स हमेशा कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए ताकि वो बैक साइड से अटैक कर सके। सही है, तो देखें ध्यान से, अगर हम बात करें फर्स्ट नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें फॉर SN2 रिएक्शन, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं SN2 रिएक्शन के लिए, फॉर SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन के लिए क्या फैक्टर्स होते हैं, सबस्ट्रेट किस तरीके से अफेक्ट करेगा, तो SN2 में हमने जब देखा था रिएक्शन को, तो रिएक्शन के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं, यहाँ जो Cl लगा होता है, तो ये हमने देखा था इट इज CDH, तो ये ग्रुप्स छोटे होने चाहिए ताकि वो जो OH- है, ये जो OH- अटैक करेगा यहाँ पे, वो इजीली अटैक कर सके, उसको एक प्रॉपरली सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल देखने को मिले जिसमें ये OH- अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। सही है, लेकिन तो इसका सिंपल सा मीनिंग यह है कि जो ग्रुप होगा, जो सबस्ट्रेट होगा, विच इज़ लेस बल्कियर, जैसे जैसे हम इसको मोर बल्कियर करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसमें हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम को हटा करके एक ग्रुप चेंज कर देता हूँ, यानी कि मैं एक मिथाइल लगा देता हूँ। तो देखो ध्यान से, अगर हम एक मिथाइल को कंसिडर करते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास में नेक्स्ट यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिखा, यहाँ ड्यूटेरियम लिखा, और यहाँ मैंने डी को हटा करके एक CH3 जोड़ दिया। तो जैसे ही CH3 जोड़ा, ये एक बल्कि ग्रुप आ गया। अब इसके पास में जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा उसमें OH- अटैक ज़रूर करेगा, बट अटैक करने की जो रेट होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड की बात करूँ, फर्स्ट एंड सेकंड में फर्स्ट के अंदर ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगा, तो OH- इजीली अटैक करेगा, उसमें तो 0 रिपल्शन है, बट अब रिपल्शन होना स्टार्ट होगा। सही है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगनी चालू हो जाएगी। फिर से अगर हम बात करें इसी के अंदर, अगर हम क्या करते हैं, एक की जगह 2 मिथाइल इंसर्ट कर देते हैं। सही है, तो यहाँ हाइड्रोजन तो फिक्स है, अब की बार मैंने यहाँ पे भी CH3 लगा दिया एंड यहाँ पे भी CH3 लगा दिया, तो अब तो हमारे पास में 2 टाइप ऑफ बल्कियर ग्रुप्स हैं। तो अब जो OH- अटैक करेगा, ये देखो, ये जो इसका वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो एक प्रॉपरली आप बोल सकते हो कि 2 CH3 से कवर हो चुका है, तो इसमें जब OH- का अटैक होगा उसकी स्पीड और कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ इस पर रिपल्शन देखने को मिलेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसी में, क्या हो अगर हम 3 लगा देते हैं, तो जब हम 3 लगा देंगे ग्रुप्स, तो और ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट होगा, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो अब ये जो रिएक्शन में अगर हम बात करें, तो ये Cl बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, यानी CCl बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपल्शन हो रहा है किसका, 3 बल्कियर ग्रुप ऑफ CH3 का,
सही है। तो अब तो OH माइनस इस पर बैक साइड से अटैक कर ही नहीं सकता किसी भी केस में। ये बॉन्ड पहले ही टूट जाएगा और ये मैकेनिज्म ही चेंज हो जाएगी, ये मैकेनिज्म SN1 में चली जाएगी, SN2 बचेगी नहीं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर हम इसमें सुनना ध्यान से, मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, यहाँ Cl है, मैं यहाँ CHO लगा देता हूँ, यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिखा, यहाँ मैंने CH3 लिख दिया सपोज को, या हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन लगा देंगे तो और ज़्यादा सही हो जाएगा, चलो एक बार के लिए CH3 लगा देते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हमने CHO लगाया तो CHO ग्रुप जो है वो क्या शो करता है, CHO ग्रुप शो करेगा माइनस आर इफेक्ट, पर ड्यू टू इट्स माइनस आर ये क्या करेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट ऑफ CHO ग्रुप इट स्टेबलाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा ट्रांजिशन स्टेट को, और जितनी ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उतना ही अच्छे से वो रिएक्शन होगी। तो अब अगर हम बात करें इन सब में रिएक्टिविटी की, तो देखो बहुत सिंपल है, अगर हम बात करते हैं इन सब में रिएक्टिविटी की, तो मैं नंबर लिख रहा हूँ इसको A, इसको B, इसको C एंड इसको D एंड इसको E। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि रेट की अगर मैं बात करूँ, रेट जो होगी किसकी ज़्यादा होगी, A की ज़्यादा नहीं होगी, आंसर आएगा E, उसके बाद आएगा A, फिर उसके बाद आएगा B, फिर उसके बाद में आएगा C और फिर आएगा D, ये ऑर्डर आएगा। क्यों? क्योंकि E के अंदर क्या होता है, E के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी बताओ, इंक्रीज। और अगर स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इंक्रीज हो रही है सो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी बताओ, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है तो वहाँ स्टेरिक फैक्टर ना कंसिडर करके वहाँ हम विड्रॉइंग फैक्टर को कंसिडर करते हैं कि ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर ग्रुप हमारे पास में है सो माइनस आई शो कर रहा हो, माइनस आर शो कर रहा हो, इस हिसाब से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये तो आपके पास किसके लिए हो गया, ये हो गया आपके पास SN2 के लिए, ये फॉर है SN2। अब यहीं अगर हम बात करें SN1 के लिए, तो SN1 के लिए तो बहुत सिंपल है, फॉर SN1 में तो क्या बनता है, SN1 में तो RDS स्टेप इज, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर SN1 रिएक्शन RDS स्टेप कैसा होता है, RDS इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ही अगर RDS है तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा उतना ही इस प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। सो बहुत सिंपल है, अगर मैंने मान लो कि कुछ इस तरीके का कार्बोकेटाइन बनाया जिसमें यहाँ पे H, 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 एक मैंने कार्बोकेटाइन कुछ इस तरीके से बनाया, यहाँ CH3 है, यहाँ प्लस है, यहाँ H, यहाँ H, एक मैंने कार्बोकेटाइन कुछ इस तरीके से बनाया, ये CH3, ये CH3, और अब की बार यहाँ H मतलब प्लस आ जाएगा और यहाँ H आ जाएगा, एंड एक हमने कार्बोकेटाइन कुछ इस तरीके से बनाया CH3, एंड यहाँ आएगा CH3, एंड यहाँ हमने प्लस बनाया, सही है। तो बहुत सिंपल है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसकी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताओ, कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसको हम नाम देते हैं A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, सो आंसर इज D, C, B एंड A। तो बताओ रिएक्टिविटी भी किसकी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी भी ज़्यादा किसकी होगी, D, C, B, A, तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाएगा। और वहाँ जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंसिडर करेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, आपको पता है कि वैसे देखो अगर यहाँ पे CH3 है तो CH3 का प्लस H इफेक्ट लग रहा होगा, तो प्लस H इफेक्ट की वजह से यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन,
है ना, 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास टोटल। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ती है और उसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा हो जाती है। तो सबस्ट्रेट का तो बहुत सिंपल सा रूल है, इसीलिए हम लिखते हैं और एनसीईआरटी भी ये लिखती है कि अगर मैं आपसे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे तो जगह मिलेगी नहीं, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 एंड रिएक्टिविटी ऑफ SN2। तो SN1 एंड SN2 का जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है फॉर सबस्ट्रेट वो हमेशा जस्ट उल्टा होता है। क्या आंसर आता है SN1 के लिए तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एल्काइललाइट, यानी कि 3 डिग्री एल्काइललाइट जो है प्रिफर करता है SN1 को। वहीं अगर हम SN2 की बात करें तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइललाइट, तो 1 डिग्री एल्काइललाइट प्रिफर करता है SN2 मैकेनिज्म को। समझ में आया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन कम होता है, रिपल्शन कम होगा तो CCl बॉन्ड टूटेगा नहीं तो फिर वो उसको बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा तो वो SN1 से ना जा करके SN2 में चला जाता है। वहीं अगर हम बात करें 3 डिग्री में क्या होता है तो 3 डिग्री में बहुत ज़्यादा बल्कियर ग्रुप होते हैं, बल्कियर ग्रुप होने की वजह से CCl बॉन्ड ईजिली टूट जाता है तो उसको बैक साइड अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली क्या कर सकता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करके SN1 मैकेनिज्म को शो करेगा। तो ये तो हो गया आपके पास में सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट को कंसिडर करा जाए तो उसके अकॉर्डिंग रेट में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे ये अफेक्ट करता है SN1 और SN2 को। क्लियर? तो आप इसको फटाफट से कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं कि जो लिविंग ग्रुप्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसकी रिएक्टिविटी कम होती है। क्लियर? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड हमारे पास में जो फैक्टर है, वो है हमारे पास में नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, कि लिविंग ग्रुप का अगर नेचर हम डिस्कस करें तो वो कैसे अफेक्ट करता है। तो लिविंग ग्रुप का तो नेचर बहुत सिंपल है, मैं यहाँ छोटा सा है इसको डिस्कस कर देता हूँ। देखें सेकंड हमारे पास में जो फैक्टर यूज़ किया जाएगा, सेकंड फैक्टर इज नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब देखो लिविंग ग्रुप हमारे पास में कौन से हैं, तो हेलोजन है हमारे पास, सो मैं एक सिंपल सा एक ऑर्डर लिख लेता हूँ, RI, फिर हमारे पास में आएगा RBR, फिर हमारे पास में आएगा RCl, फिर हमारे पास में आएगा RF। तो बहुत सिंपल है कि जिसके लिए बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा, जो जितना जल्दी कौन लीव कर सकता है, जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं साइज ऑफ आयोडीन इज मोर एज कम्पेयर टू ब्रोमीन क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होता है तो ये बॉन्ड ईजिली टूट जाता है, तो जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना ही जल्दी वो लीव करेगा। तो लिविंग टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लिविंग टेंडेंसी किसकी होती है, RI, फिर उसके बाद RBR, फिर उसके बाद RCl। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो ये तीन होते हैं वही ये अलग ये टाइप ऑफ रिएक्शन शो करते हैं। तो आप लोग बोल सकते हो कि ये जो ऑर्डर है फॉर बोथ रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन के लिए, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2, क्योंकि दोनों में ही आपको कार्बन सी मतलब कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक करना होगा, और अगर दोनों में ही कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है तो सिंपल सा RI दोनों ही रिएक्शन के अंदर, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो उसमें होगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे RF जो होता है वो RF जो होता है वो SN1 शो नहीं करता, ना ही SN2 शो करता है, क्योंकि ध्यान रखना बॉन्ड क्लीवेज जो होता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ठीक है, RF का बॉन्ड ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और बहुत डिफ़िकल्ट होगा तो ये इजीली पार्टिसिपेट नहीं करता है SN1 और SN2 में। तो आप ये ऑर्डर याद रखेंगे तो लिविंग ग्रुप के लिए तो सिंपल सा इतना ही है, कोई ऐसा नहीं है कि SN1 के लिए अलग होगा SN2 के लिए अलग होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो देखो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से अफेक्ट करती है, तो हमारे पास में थर्ड आता है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल फॉर SN1 अगर हम बात करें, फॉर SN1 तो देखो SN1 में तो रेट जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RX ओनली, ठीक है, क्योंकि RDS स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व ही नहीं होता। तो अगर RDS स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, यानी कि वो उस रेट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो सिंपल सा नो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन SN1। तो SN1 रिएक्शन पर
न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप कोई भी टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करो, क्लियर है, वो रिएक्शन नॉर्मली हो जाएगी, चाहे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, चाहे उसकी कंसंट्रेशन कम हो, चाहे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो, चाहे उसका साइज़ ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैटर ही नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें फॉर SN2, तो SN2 के लिए तो हमें पता है कि जो रेट होती है उसमें न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट होता है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ हम लोग तीन फैक्टर डिस्कस कर सकते हैं। फैक्टर ए आएगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखो, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो सिंपल सी बात है, एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेज रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीजेस, सही है, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन में ना। तो जैसे जैसे आप हाई कंसंट्रेटेड न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हो, कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हो न्यूक्लियोफाइल की, तो रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट होता है कार्बन हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में। सेकेंड जो फैक्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो हमारे पास में है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी सिंपल सा होती है कि कितना स्पीडली वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, सही है। तो हायर न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, हायर न्यूक्लियोफिलिसिटी, हायर रेट ऑफ रिएक्शन, हायर रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, सही बात है। तो जितना अच्छे से वो डोनेट कर पाएगा उतना ही अच्छे से वो बॉन्ड ब्रेक कर पाएगा, करेक्ट है। सो सी नंबर पर जो हम लोग देखते हैं, यानी कि जो थर्ड हमारे पास में आ सकता है, वो ये है हमारे पास में साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो आप बताओ कि साइज बड़ा होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल का कि छोटा होना चाहिए? अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो वो तो खुद ही रिपल्शन क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, तो साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल साइज़ का न्यूक्लियोफाइल है, स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल जो होगा इंक्रीजेस रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो जितना छोटे साइज का हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही वो अच्छे से क्या कर पाएगा, उतना ही अच्छे से वो SN2 दे पाएगा। जितने बड़े साइज का अगर हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतना ही SN2 नहीं दे पाएगा अच्छे तरीके से, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। तो बहुत सारे एग्जांपल अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अच्छे से SN2 देगा, तो उसमें आप ये सारे फैक्टर्स चेक कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन सेम रखी गई है सबकी, अगर हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम है सबकी, तो आप साइज़ को चेक करेंगे। साइज़ में आप लोग चेक कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो लीनियर है, टेट्राहेड्रल है, या फिर किस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर है, ज़्यादा बल्कियर ग्रुप उसमें लगे हुए हैं, उसमें खुद में अगर इस तरह के एंट्रेंस है तो वो SN2 बहुत कम देगा, क्लियर। तो छोटा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए ताकि वो इजीली इस पर अटैक कर सके और इजीली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके प्रोडक्ट बना सके। तो ये कुछ हमारे पास में फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर्स हो गए हमारे पास में नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल के, और ये हमारे पास में हो गए नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप के, क्लियर। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास में बचता है जो कि है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मैं आपको एक बहुत सिंपल सा पॉइंट बता देता हूँ, आपको दो पॉइंट याद रखने, तो ऐसा कोई खास इसमें है नहीं। एंड हमारे पास में जो फोर्थ पॉइंट बचेगा वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट अपन बोल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में हम जनरली ये देखते हैं कि फॉर SN1 रिएक्शन हमें क्या चाहिए होता है, हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है। और जबकि अगर हम बात करें फॉर SN2 रिएक्शन हमें जो सॉल्वेंट चाहिए होता है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? तो देखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो पोलर होते हैं, जिसमें डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है और साथ में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल हो गया। वहीं अगर हम बात करें कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो जिनका डाइपोल मोमेंट तो नॉन जीरो होता है बट उनमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, फॉर एग्जांपल DMS हो गया, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हो गया, इसी तरीके से DMF हो गया, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड हो गया, इसी तरीके से एसीटोन हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन हो गया। ये सब जो कंपाउंड्स होते हैं ये पोलर तो होते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी तो नॉन जीरो होती है, लेकिन ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रखते हैं, तो इनमें प्रोटिक नहीं होता, वो एप्रोटिक होते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें। तो इससे ये सारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को आप यूज़ करके फाइनली ये डिसाइड कर सकते हो कि जो रिएक्शन होगी वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी एंड जो रिएक्शन होगी वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी। तो हमने दो मैकेनिज्म डिस्कस करी है, इस पर भी हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी SN1 SN2 ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग प्रॉपरली JEE के अकॉर्डिंग ही कंसिडर कर रहे हैं,
तो ट्वेल्थ के स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इनमें से SN1 और SN2 की मैकेनिज्म याद रखें, और जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखवाया था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, एंड वो वाला ही याद रखें। इसके अलावा आपके लिए कोई काम का नहीं है, बाकी सारा का सारा JEE के स्टूडेंट्स के लिए या फिर नीट के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस होती है जो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, कौन कौन से ऐसे रिएक्शन होती है जो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। हम सारी रिएक्शन को कवर करेंगे, एंड फाइनली जब SN1 SN2 कंप्लीट हो जाएगा फिर हम स्टार्ट करेंगे SNI मैकेनिज्म को। क्लियर है? सो आई होप आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, एंड अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई है, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं, एंड जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखें, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डाउट भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमसे व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ से आप अपने डाउट जो है वो कवर कर सकते हैं। क्लियर है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।